कमर के लिए। ए बहनों, कमर में दर्द बहुत रहता है तुमको, भाइयों तुमको भी रहता है, ये देखो कमर दर्द। बहुत आसन है ये, जरूरी आसन है उष्ट्रासन। क्या नाम है इसका बोलो? एक तो ये, फिर एक उल्टा लेट के ऐसे 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 भी करते हैं, इससे भी ठीक होता है, मकरासन इसको बोलते हैं। फिर ये भुजंगासन, कमर दर्द हो, कोई भी दर्द हो, एलोवेरा गिलोय और एक पीड़न तक बात हम देते हैं वो ले लो, नहीं तो वातारी चोर ले लो, चंद्र प्रभाव की ले लो, दूध में हल्दी सराजी ले लो, और डिया मांस बहुत जबरदस्त हो जाती है। यहाँ पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र भी अपना, तहसील में करंज में भी, और करंज के साथ साथ पूरे यह वासिम की सभी जगह हमने केंद्र बनाए ऐसे। ये भुजंग आसन, क्या नाम बोलो? जिनको पेट भी ज्यादा बढ़ा होता है, पेट भी छट जाता है और कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, बैक एक के लिए छट पीछे से पैर को उठाओ, कमर दर्द के लिए ज्यादा ही हो तो ऐसे भी कर सकते, थोड़ा थोड़ा। ये धनुरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, और सीधे लेट के ऐसे, तो एक एक पैर यूं उठाओ, इससे भी कमर दर्द कम हो जाता है, फिर ऐसे भी कमर दर्द अच्छा होता है ऐसे करने से, ऐसे इससे ये मसल सेट हो जाते हैं नीचे की, कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा है ऐसे पैर मोड़ के, हाथ ऐसे रख के, सुन लो सब, काम आएगा कभी ना कभी जिंदगी में। इधर पैर दूसरी तरफ करता है, दाएं तरफ पैर बाईं तरफ करता है, दूसरी तरफ से, ये मरकट आसन कमर दर्द के लिए रामबाण है, अद्भुत, बहुत साइंटिफिक, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। कमर एकदम सेट हो जाती है पूरी, फिर दूसरा इसमें पैरों में फासला करके ऐसे, गर्दन अपोजिट साइड, फिर इसका तीसरा और जबरदस्त है, ऐसे पैर उठाया उसको ऐसे अपोजिट साइड में ले जाते ऐसे, दूसरी ओर से भी। इससे पूरा सेट हो जाता है, नस नाड़ी सारी एकदम परफेक्ट सेटिंग हो जाती है, बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, फैमिली वाइफ जितने सब कुछ पॉलिटिक्स अपसेट हो रहे, ये कमर के लिए। फिर मैंने कहा एक एक पैर को दोनों पैरों को ऐसे मोड़ भी सकती है, भी अच्छा, ऐसे पैर को उठाना, फिर ऐसे ये फिर ये कमर को ऐसे उठाना, ये कमर को